नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। मैं सर्वेश त्रिपाठी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस रैपिड फायर सीरीज में, जिसमें आज चैप्टर है वो भारत और उसके पड़ोसी देश का दूसरा भाग है। ध्यान रखिएगा, इसके पहले हमने एक चैप्टर देख रखा है, इसके बाद हम बात करेंगे इस भारत और पड़ोसी देश के बारे में। चलिए, म्यांमार का पूरा नाम क्या है? तो म्यांमार का पुराना नाम जो है आपका वो बर्मा है, ध्यान रखेंगे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था, बर्मा उस समय नाम था इसका। भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण आपकी हिमालय की पूर्वी श्रेणियां करती हैं। भारत और म्यांमार की सीमा को कौन सी नदी बनाती है? तो इरावदी नदी जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा को बनाती है। म्यांमार की राजधानी आपकी नायपिडा है, ध्यान रखेंगे। म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है। म्यांमार की संसद का नाम पाइथो हुटाओ है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल आपका चिनलोन है। म्यांमार का राष्ट्रीय फूल आपका पाशुपादोक है, ये बात ध्यान रखिएगा। म्यांमार का राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका इंडो चाइना टाइगर है। म्यांमार का राष्ट्रीय भाषा आपकी वर्मीज है, वर्मी भाषा यहां बोली जाती है। और म्यांमार का जो राष्ट्रीय धर्म है ना वो बौद्ध धर्म है। म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी आपका फाउन पीहेट है, ये बात ध्यान रखिएगा। म्यांमार भूटान का कौन सा नाम प्रसिद्ध है? भूटान को द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन कहते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे छोटा है? तो भूटान भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल छोटा है। चलिए, भूटान में कौन सी मुद्रा? तो भूटान में नगुल्ट्रम चलती है, और ध्यान रखेंगे भारतीय रुपया भी यहां पे चलता है। भूटान की राजधानी आपकी थिम्पू है। भूटान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आपका साइप्रस है। भूटान का राष्ट्रीय पशु जो है वो आपका टॉफिन है। भूटान की संसद का नाम जो है ना सोगदू, ध्यान रखेंगे भूटान की संसद का नाम है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी आपका रॉबिन है, एक प्रकार का कौवा होता है, ध्यान रखेंगे। भूटान में कुल कितने प्रांत हैं? तो 20 आपके भूटान में टोटल प्रांत है, स्टेट जिसको कहते हैं। भूटान का राष्ट्रीय पुष्प जो है वो ब्लू पॉपी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल आपका आर्चरी है, तीरंदाजी। भूटान की राष्ट्रीय नदी आपकी मानस है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा जोंखा है। अफगानिस्तान की कितने किलोमीटर की सीमा लद्दाख से लगती है? ध्यान रखेंगे 106 किलोमीटर। एक्चुअली में ये पीओके वाला एरिया है जो पाक अधिकृत कश्मीर में पाया जाता है। चलिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किसके नाम से जाना जाता है? तो डूरन लाइन, इसी लाइन को पीओके वाला एरिया है जिसे भारत और पाकिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान के बीच में कहा जाता है। अफगानिस्तान की राजधानी आपकी काबुल है। अफगानिस्तान की मुद्रा का नाम जो है वो आपका अफगानी रुपया है, ध्यान रखिएगा। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकासी है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फल जो है वो आपका अनार है। अफगानिस्तान में कितने राज्य हैं? तो टोटल आपके 34 स्टेट हैं। अफगानिस्तान की राष्ट्रीय भाषा पश्तो, और आपके कौन सी आपकी फारसी भाषा है यहां की। अफगानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो आपका अफगानी पाइन आता है, वो आपका राष्ट्रीय वृक्ष। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो स्नो लेपर्ड, ध्यान रखेंगे बर्फीला जो आपका तेंदुआ होता है वही आपका यहां का राष्ट्रीय पशु है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी गोल्डन ईगल। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ट्यूलिप है। अफगानिस्तान श्रीलंका किन देशों के साथ? ध्यान रखेंगे श्रीलंका भारत के दक्षिण में पाया जाता है, भारत के दक्षिण में स्थित है और भारत के साथ एक जलीय सीमा बनाता है। श्रीलंका और भारत के बीच कौन सी खाड़ियां हैं जो सीमा निर्धारण करती हैं? तो पाक की खाड़ी, आपका मन्नार की खाड़ी, पंबन द्वीप भी इसी के पास है, ध्यान रखेंगे। श्रीलंका की राजधानी आपकी जयवर्धन पुरा कोट्टे है, पहले राजधानी आपकी कोलंबो थी। श्रीलंका की मुद्रा आपके श्रीलंकाई रुपया चलता है, ध्यान रखेंगे। और श्रीलंका कब आजाद हुआ? तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। श्रीलंका में कुल कितने प्रांत है? तो श्रीलंका में कुल टोटल आपके 9 प्रांत है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर आपका कोलंबो है। श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? तो सिंगली और आपके तमिल यहां पे बोले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय पुष्प पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु आपका हाथी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल है, यही खेल आपका नेपाल का भी है राष्ट्रीय खेल। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल जो है वो कौन सा है? आपका कटहल। श्रीलंका का राष्ट्रीय वृक्ष सिलोन आयरन वुड। सिलोन जो है श्रीलंका का पुराना नाम है, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय गान कौन सा है? श्रीलंका माता। चलिए, श्रीलंका की राष्ट्रीय नदी आपकी महावेली गंगा। श्रीलंका का राष्ट्रीय पक्षी फाउल पीहेट नहीं है, फाउल जंगली, जंगली फाउल जो होता है ये यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, भारत का पड़ोसी देश। नेपाल का मुद्रा क्या है? नेपाल में भी रुपया चलता है, नेपाली रुपया। नेपाल में कितने प्रांत है? अगर टोटल प्रांत की बात करूं तो 7 प्रांत है यहाँ पे। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है।
नेपाल की संसद में कितने सीट हैं आपके? 275 सीट हैं, याद रखिएगा। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो गाय है, ध्यान रखेंगे। हिंदू राष्ट्र है तो हिंदू परंपराओं के हिसाब से जो भी आपके यहाँ पे महत्वपूर्ण है उन सारी चीजों को ये लोग रखते हुए हैं। नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो नेपाल का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल, देखिए पीपल को देवता माना गया है। नेपाल का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? बुरुंस। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी ट्रैपोगोन राष्ट्रीय पक्षी है यहाँ का। नेपाल की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है, सिक्किम में भी नेपाली भाषा बोली जाती है क्योंकि नेपाल के लोग बहुत रहते हैं सिक्किम में। नेपाल की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो ये कर्णाली है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, नेपाल का राष्ट्रीय खेल जो है वो आपका वॉलीबॉल है, ध्यान रखेंगे। भारत और उसके पड़ोसी देश का ये जो सीरीज है यहीं पर समाप्त होता है, इसमें से बाहर क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। इन चीजों को बार बार आप रिवाइज कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए सीरीज में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।